कोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम शिमला ने शहर में तहबाजारियों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। नगर निगम की टीम द्वारा रोजाना बाजार का निरीक्षण किया जाता है। शुक्रवार को भी नगर निगम आयुक्त पंकज राय ने बाजार में दौरा कर अवैध कब्जाधारियों को कब्जा हटाने के निर्देश दिए। शुक्रवार को नगर निगम शिमला की टीम ने राम बाजार का निरीक्षण किया और अवैध कब्जाधारियों को कब्जा हटाने के निर्देश दिए। इस मौके पर नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय भी मौजूद रहे। पूरे राम बाजार में दुकानदारों ने अपनी दुकानों का दायरा काफी बढ़ा रखा था। नगर निगम की बार बार चेतावनी के बाद भी अतिक्रमणकारी बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन निगम ने भी अपनी कार्रवाई जारी रखी है। नगर निगम शिमला के अधिकारी शहर में आए दिन तहबाजारियों पर कार्रवाई कर उनका सामान तक जब्त कर देते हैं। नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि राम बाजार में जिन दुकानदारों ने अवैध कब्जा किया था उन्हें कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ दुकानदारों ने कब्जा हटा लिया, लेकिन कुछ दुकानदार अभी भी डटे हुए हैं। आयुक्त ने कहा कि इन दुकानदारों को एक दिन का समय दिया गया है, अगर फिर भी ये कब्जा नहीं हटाते हैं तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने कहा कि फुटपाथ और बाजार की गलियों व नालियों पर दुकानें सजाने वालों को भी दुकानें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम राम बाजार से ऊपर को चढ़ते हैं तो जो राइट साइड में था ड्रेन पे सारी पॉलिशिंग थी वो सभी शॉपकीपर्स ने तोड़ दी है। सिर्फ 3 शॉपकीपर्स ऊपर वाले बचे हैं जिसको हमने रिमूव करने के डायरेक्शंस दिए हैं। इसके साथ साथ जो लेफ्ट साइड में लोगों ने स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं वो आज रात तक का वक्त ही है, कल 11 बजे से अगर वो नहीं हटाते हैं तो निगम अपनी कार्रवाई। सर, जो नालियों पर जिन्होंने अवैध कब्जा किया है उन पर क्या कार्रवाई की? जिन्होंने नालियों पे किया, मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें से जो राम बाजार से जब ऊपर चढ़ते हैं तो लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने उसको हटा दी। सिर्फ 3 शॉपकीपर्स का बचा है, हमने उनको आज डायरेक्शन दी और बाकी जितनी भी ड्रेन्स हैं लोअर बाजार में चाहे मिडिल बाजार में जहाँ भी हम आज जहाँ हमने विजिट किया उनमें सब में ड्रेन्स के ऊपर और ड्रेन्स के बाहर सामान रखा है। हमने उसकी फोटोग्राफी भी ली है। मैं एक ऑर्डर भी पास कर रहा हूँ कि जो ड्रेन्स के ऊपर हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें क्लीनिंग का इशू रहता है और लोगों को चलने में भी दिक्कत होती है। इसके साथ साथ जो हम सब्जी मंडी में गए थे, जो 13 कल हाउस में बात हुई थी, जो 13 लोग वहाँ पे बैठे थे जहाँ पे रेलिंग लगनी थी बीच में, आज वहाँ पे हमने सुबह से हमने अपने लोग लगा दिए हैं और हम उसमें किसी भी हालत में वहाँ पे अलाउ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।